अमेरिकाज़ थिंक टैंक वो इमरान खान के बारे में क्या सोच रहा है फिर जब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मिस्टर भुट्टो भुट्टोजरदारी की तो उनके जो सियासी जलसे चल रहे हैं उसमें वो मसलसिलखालफ के ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ पीटीआई की तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है आप भी सोचेंगे कि ये कैसे हो गया एकदम से वक्त बदल गया हालात बदल गए या क्या हो गया कि पीटीआई की जो उम्मीदवार हैं उन्होंने मरियम नवाज के हक में विदड्रॉ कर दिया है कैन यू गाइज इमेजिन वी आर जस्ट फ्यू डेज वीक्स अवे फ्राम द मेजर बिग डे ऑफ आठ फरवरी इलेक्शन वाला जो मेजर बिग डे लेकिन हाउ कम एक उम्मीदवार पी की मरीम नवाज़ के हक में विड्रॉ कर रही है क्या वजह अलास एनालफ़िक्रक्सक्यूज़ मी अलास एनाल फ़िक्र दैट आउट इसके अलावा जब हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद की तो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का अफ्त मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में हजब मामूल पाकिस्तान के खिलाफ आग उगली अब ये भी मैं जानूंगी, लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान का जो एक ताल्लुक़ बना था चौदह साल पहले वो ख़त्म हो गया है उस पर हम सबको बहुत अफसोस है जब हम बात करते हैं टेनिस चैम्पियन सानिया मिर्जा की और यहाँ से टॉप लेजेंडरी क्रिकेटर शुैब मलिक की तो उनकी शादी चौदह साल पहले हुई लेकिन उनकी शादी ख़त्म हो गई है एक जानब ड्रामा आर्टिस्ट सना जावेद और उमैर जैसवल हु इज़ कंसिडर टू बी अ सिंगर उनकी शादी हुई वो भी ख़त्म हो गई लेकिन अब ट्विस्ट ये आया है कि सना जावेद और शुैब मलिक ने आपस में शादी कर ली तो इसके हवाले से भी बात करेंगे कि इनका क्या नज़रिया है डज़ ही एग्री टू द पॉइंट इफ़ दे आर मैड इट्स ओके या नहीं बाकी हमें फीडबैक तो मिल ही रहा है सबका तो सर आपसे बात करती हूँ सबसे पहले हम बात करते हैं पी की मुझे बताएं कि जो पी है बानी इमरान खान उनके बारे में अमरीकी थिंक टैंक क्या सोच रहे हैं बिशार रही अमरीकी थिंक टैंक ने आज उनका हमारे सब चीज़ें सामने आई हैं उनके मुताबिक इमरान ख़ान जिंदान के अंदर भी अपने सियासी मकासद हासिल कर रहे हैं और वो पूरी तरह मुतरक हैं और लोगों तक उनकी बात पहुंच रही है आज जेल के अंदर उनके साइफर केस की समात थी और समात के बाद इमरान खान मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे जिस पर वहाँ पे सुबरन जेल असद व्रराइश ने उनको रोका मुदाखलत की कि आप मीडिया टॉक नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा है कि मुझे अदालत ने इस बात की इजाज़त दी है कि चूँकि ओपन ट्रायल है तो मैं मीडिया से बात कर सकता हूँ तो सुब्रन ने कहा कि हमें ऐसी कोई हुक्मनामा तहरीरी या जुबानी मौसू नहीं हुआ आप अदालत से दोबारा रजू करें जिस पर इमरान ख़ान खास भरम हुए और उन्होंने डांट दिया सुब्रन जेल को कि आप मुझे रोक नहीं सकते आप मुदाखत मत करें मुझे बात करने दें जिस पर जेल इंतजाम ने जो मीडिया के लोग थे उनको कमरा अदालत से वो बाहर ले गए तो जाहिर है इसमें चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और बहुत सारी चीज़ें फेब्रिकेटेड भी आ रही हैं और ख़ुद जिस किस्म के पीटीआई ने सोशल मीडिया के टूल इस्तेमाल किए हैं पब्लिक तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए वो एक नई टर्म है नई टेक्नोलॉजी है चूँकि इससे पहले इस किस्म के तजुर्बात नहीं हुए और किसी पार्टी का जो सरब्राह से पहले जेल में नहीं था इलेक्शन में तो पीटीआई हर वो टूल इस्तेमाल करिए जिससे वो वोटर तक आम आदमी तक अपना पैगाम पहुंचा सके तो अमेरिकन थिंक टैंक भी जाहिर है सारी चीज़ों को देख रहे हैं वॉच हैं तो उन्होंने अपनी गुफ्तगु में यही कहा है कि हम हमें लगता है कि इमरान खान जेल के अंदर भी बड़े मकबूल हैं और लोगों से रबते में हैं तो भल देखते हैं असल बात तो फैसला होना है आठ फरवरी को कि मकबूल कौन है माकूल कौन है और आवाम किसको मैंडेट देते हैं अगले पांच साल के लिए ये तो है ये तो बात है पते की बात कर दी आपने जब हम बात करते हैं बिलावल की बिलावल भट्टो की पीपीपी -पी -पी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सर मुझे बताएं वो अपने सियासी जलसों में सियासी मुखालफिन पर मुसलसल हमले कर रहे हैं क्या बात है ये मैं यह कहूँगा कि बिलावल भट्टो जदारी के जो सियासी उस्ताद हैं वो यकीन बड़े बसीरत वाले हैं है, फहम वाले हैं और उनका आवाम की नफ्स पर हाथ है उन्होंने एक लाइन अपनी रखी हुई है कि पी एम एल एन को उस पर अटैक करो और पी टी आई के वर्कर को वोटर को एक सॉफ्ट मैसेज दो कि मेरे हाँ हमारा मुश्तरक हदफ पी एम एल एन है और उन्होंने जल्सों में बार बार ये बात करें कि हमें भी विक्टमाइज़ किया गया है पी एम एल एन की तरफ से और लिहाजा हमारा हदफ़ यह है कि पी टी आई के लोग वोट कास्ट करें अपना वोट ना करें और अल्टीमेट उनका ये मैसेज है आ, इनको टाइगर्स को कि वो बल्ला तो अब उनके पास नहीं है जी। तो अपना जो वोट है वो तीर पर निशान लगाएं और हमें कामयाब करें और हम इतमामी सियासत का बाप बंद कर देंगे जबकि जिस नवे की सियासत की वो दुहाई देते हैं वो नवे की सियासत खुद चीख चीख कर कहती है कि दोनों तरफ से इतमामी सियासत का बाजार गर्म था मैं अगर आपको माजी में ले जाऊं, तो नबी की सियासत में आ, जब बेनजीर भट्टो वफाक़ में थी और पंजाब में नवाज शरीफ थे वजर अल तो इनका एक जोनाथन नामी बैरी जहाज़ जो स्क्रैप स्क्रैप लेके आया था कहीं बाहर से उसको मुसलसल कई रोज़ तक रोके रखा गया अपना कराची पोर्ट पर और इस तरह पंजाब में जब इनके इतहादी मियाँ मंजूर भट्ट वजर थे पीपल्स पार्टी और आ, मुस्लिम लीग जुनेजो की एक इतिहादी हुकूमत थी तो मियाँ मोहम्मद शरीफ को मॉलडोन से जिस तरह गिरफ़्तार किया गया वो बड़ी एक बदतरीन इतनी सियासत की एक तारी सिया तारीख है और असल बात यह है कि नवे की दहाई नफरत की सियासत से मुनाफरत की सियासत से इबारत है और बड़ी तलक यादें जुड़ी हुई हैं उससे और आज का पाकिस्तान बड़ा मुख्त पाकिस्तान है लोग आ, हर चीज को आ, उनका तजिया करते हैं एनालिसिस करते हैं और तारीख अपने सामने रखते हैं अब चीज़ें छुपी नहीं रहती मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर तीस साल चालीस साल पुराने अखबार के तराशे भी गिरदशकारी होते हैं पर चूंकि उस वक्त तो टी वी चैनल्स नहीं थे प्राइवेट चैनल्स नहीं थे अब जो जब से ये चैनल आए हैं मशरफ दौर से तो जो चैनल्स के क्लिप्स हैं वो भी गिरदश करते हैं तो कोई चीज़ अब अब कहते हैं ना सियासत में मुर्दे दफ़न नहीं होते वाक्य सच है कि सियासत में मुर्दे दफन नहीं होते वो जिंदा रहते, रहते हैं वो गर्दश करते रहते हैं लेकिन अभी भी जिस किस्म के तंदो तेज़ जुमले और तीर बरसाए जा रहे हैं बिलावल की तरफ से ज़ाहिर है उन्होंने टारगेट किया हुआ है और वो खुल के बात करें ये खूबी है पीपल्स पार्टी की लेकिन ये आज से चंद माह पहले की बात है ये इतिहादी थे और उससे पहले जब इनकी वालदा हयात थी तो उन्होंने मिसा के जमहूरियत किया लंदन में मियाँ नाशी के साथ तो कुछ बई नहीं है कि चूँकि मुझे लग रहा है कि कोई भी जमात इस पोजीशन में शायद ना आ सके कि वो आ, अपनी इनफादी हैसियत में वफाक में या पंजाब में हुकूमत बना सके तो बज़ाहिर यही लगता है कि एक हंग पार्लियामेंट वजूद में आएगी और कई जमातें इतिहाद का हिस्सा बनेंगी और कोई बई नहीं है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी फिर वफाक में पी एम एल एन के साथ बैठी हो तो ये बार हमारी क्या सरा है, अंदाजे हैं और आठ फरवरी को देखते हैं कि जो हमारी सियासत का ऊँट है किस करोड़ बैठता है और ये जो जरदारी अपना बिलावल के जो इशारे हैं अंदाज़े हैं और जो वो एक सॉफ्ट मैसेज दे हैं पी टी आई के वर्कर्स को और मुझे नहीं लगता कि पी टी आई के वर्कर्स इतने सादा हैं इतने मासूम हैं कि वो बिलावल की इस तरह की बातों में आ जाएंगे और वो वोट कास्ट करेंगे बहरहाल लाहौर में ये जो इनका जलसा था वो काबिल ज़िक्र है और क्योंकि बड़ी तवील ग़ैर हाजी के बाद लाहौर के अंदर जो पीपल्स पार्टी का ये शो है बहरहाल वो मुतासरकन है चूँकि बज़ाहिर हमें लगता है कि लाहौर से और पंजाब से पीपल्स पार्टी का वो सियासी हजम नहीं रहा जो कभी हुआ करता था और असल बात यह भी हुई कि एहतजाज़ असल भी जाके वहाँ पर स्टेज पर नजर आए और उनकी उनके बारे में जो इबाम था कि शायद वो पीपल्स पार्टी में नहीं है फिक्री तौर पर नज़ियाती तौर पर तो इस बात की भी तरदीद हो गई इन्होंने खुल के कहा कि मैं पीपल्स पार्टी में हूँ और मुझे कोई इससे जुदा नहीं कर सकता बहरहाल वो एक कदावर सियासतदान है और माजी में सियासत में उनका बड़ा रोल रहा है उखला तहरीक में बड़ा रोल रहा है तो उनका किसी जमात में खड़े रहना बड़ा बामा है बिल्कुल ठीक बात की आपने अब जब मैं बात करती हूँ पीटीआई की तो ये क्या ट्विस्ट आया एकदम से पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने मरियम नवाज के हक में विड्रॉ कर दिया है ये बहुत सारे सियासी दाव पेश भी होते हैं और चूँकि अब पी के अंदर हर हल्के में कई कई उम्मीदवार खड़े हैं चूंकि किसी के पास पार्टी का जो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश निशान था बला वो किसी के पास नहीं है हर उम्मीदवार ने जो मतोको उम्मीदवार था जिसने अपना अपना हल्का मार्क किया हुआ था उसने अपने वहाँ से कागज जमा कराए हुए हैं लेकिन असल जो पार्टी की वेबसाइट पे पता लगेगा कि कौन उनका नॉमिनी है किसको उन्होंने नामज़द किया हुआ है पार्टी की तरफ से ऑफिशियली तो ये मुझे लगता है कि जो जिन साहब ने अनाउंस किया है ये मायूस होकर चूँकि इन्हें टिकट नहीं मिला और अगर टिकट मिला होता तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई का नामज़द जो ऑफिशली नामजद होगा वो ऐसा कोई फैसला करेगा और ख़बर में लिखा था कि हजारों लोग भी शामिल होंगे तो उम्मीदवार तो जा सकता है वोटर तो नहीं जाता ठीक है सर जब मैं बात करती हूँ इंडिया की इंडिया की एक दूसरी तरफ तो 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 आपने जो बात अपनी इंटरव्यू में कही है इस जलसे में एक और चीज़ आई सामने कि हमजा शहबाज ने भी ऐलान किया है कि हम अगर हुकूमत बनाते हैं वफाक में तो हम हर शहरी को तीन सौ यूनट फ्री बिजली देंगे बिजली देंगे right. तो मैं बताता चलूँ अपने सुनने वालों को कि ये पिछले दिनों बिलावल ने भी ये बात की है कि वो भी तीन सौ यूनट बिजली फ्री देंगे और ये असल जो तजवीज़ है जो उसके महरक हैं वो आई पी पी के मरकजी सदर अब्दुल अलीम ख़ान हैं सबसे पहले उन्होंने ये बात की है बहरहाल ये खुशाइन बात है कि हमारी जो सियासी क्यादत है कम अज कम इस बात पर एक पेज पर है लेकिन बात यह होती है सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस सर्द मौसम में जिस तरह बिजली का फगदान और बहरान है बिजली की किल्लत है और मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है तो क्या ये बिजली इस पोजिशन में होगी आने वाली गर्मियों में खास तौर पर कि ये पूरी हो सके जो कौम की जरूरियात हैं बिजली की और क्या बिजली ऐसी होगी जो मुफ्त दी जाएगी आप बिल्कुल ठीक कह है रहे हैं अभी सर्दियों में ये हाल है जी कि ये लोग कर रहे हैं तो गर्मियों में क्या करेंगे जबकि सर्दियों में इतनी इस्तेमाल ही नहीं होती बिजली फिर जब हम बात करते हैं अलीम खान के इनिशिएटिव की जो कि उन्होंने लिया कि वो बिजली के कुछ यूनिट्स फ्री देंगे तो ऑब्वियसली वो फिर पीपीपी और नून लीग ने उसको लिया अच्छी बात है इट्स गुड टू कॉपी एट टाइम्स इफ इट्स फॉर द बेटरमेंट लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आवाम ने कंफ्यूज हो जाना है कि वो भी 300 यूनिट दे रहे हैं वो भी 300 यूनिट दे रहे करना क्या है क्रेडिबिलिटी कोई लेट्स सी असल बात ये, ये है कि ये देखना होगा कि बिजली मिलती भी है बात तो ये है मुफ्त में नहीं तो तो दूर की बात है है कीमत मिले मिले सही मिले तो ये सही बेसिक है। है। आगे तो फिर वो एक ऑफर डिस्काउंट जा 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 वो तो दूर की बात है बहरहाल ये चूंकि इंतहा का मौसम है और हर जमात अपना एक मंशूर उसका ऐलान करती है और सियासी नारे भी सामने आते हैं और अवाम को जाहिर है सब्ज बाग भी दिखाए जाते हैं तो बहरहाल मेरा जितना मुशाह है कि जितनी मोस्टली हमारी हुक्मरान जमाते हैं जो पाँच दहाइयों से बारियाँ ले रही हैं वो इकदार में आने के बाद अपने मनसूस भूल जाया करती हैं लेकिन हमारी उम्मीद है वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि इस बार ना हो वो एक जो रेपिटेशन मोड चल रहा है वो ना हो कुछ चेंज आ जाए सबकी बेहतरी के लिए मूविंग ऑन सर जब मैं बात करती हूँ एक इंडियन पोलिटिकल अपडेट की वो अगर आपको याद है इंतहा पसंदी की हमने बात की थी लास्ट टाइम अगेंस्ट मुस्लिम्स तो सर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का अफ्त हुआ और मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में हजब मामूल पाकिस्तान के बारे में आग, उन्होंने उगली भी और उनके खिलाफ ही बोला ऑबियसली तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे मैं याद करूँ कि मोदी के इकतदार में आने से पहले हिंदू इंतहा पसंद थे और बदकसमती है कि मोदी दस साल से मुसरत है भारत पर और अब पूरा हिंदू हिंदुस्तान जो है वो इंतहा पसंद है माजी में हिंदू इंतहा पसंद है और आज का हिंदुस्तान इंतहा पसंद है एज ए रियासत जब रियासत आपकी फाशज़म पर आ जाए इंतहा पसंदी पर आ जाए और शदत पसंदी पर आ जाए तो फिर वहाँ मुआशरे जो हैं तकसीम हो जाया करते हैं भारत में हमेशा से इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक नफरत का और इश्त अंगेजी का कार्ड कैश किया जाता है और इससे बड़ी जरीफी देखें कि आलम इस्लाम खामोश है और मोदी ने दीदा दलेरी के साथ आज राम मंदिर का अफ्ताह किया है और पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि हमारे नज़दीक भारत के अंदर जो इस्लाम और मुसलमान हैं उनकी क्या हैसियत है वो किस तरह उसको एक्नॉलेज करते हैं वो उसने बता दिया है और वहाँ पे बड़े भारत के जो अमीर कबीर लोग और मरूफ क्रिकेटर भी मदूत थे और बदकस्मती यह है कि पिछले दिनों हमारे कुछ अरब मुल्कों में यू ए में बाकायदा मंदिर तमीर किए गए और बड़े अहतमाम के साथ उनका अफ्ताह किया गया उनके सपूर्ज किए गए हिंदुओं के जबकि दूसरी तरफ भारत के अंदर जो हज़ारा साल से मसाजत थी मुसलमानों की इबादत गाहें थीं सैकड़ों साल से और उनको शहीद करके वहाँ पर मंदिर बनाए जा रहे हैं और ये पूरी कंपेन है जिसकी सरप्रस्ती रियासत कर रही है ये या रियासी सतह पर कभी ऐसा नहीं होता कि किसी आप खास मज़हब को टारगेट करें किसी ख़ास मज़हब के लोगों को टारगेट करें ये पहली दफ़ा भारत के अंदर हो रहा है और ये है कि जो हमारे मुसलमान हुक्मरान वो खामोश हैं वो अपने मसाइल में उलझे हुए है। हैं और भारत के अंदर जो मुसलमान हैं वो ऑलरेडी एक उनको घुटन का सामना है वो सियासी तौर पर कमज़ोर हैं नातवा हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क से आवाज़ उभरनी चाहिए सिर्फ ये दीनी जमातों का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो इस पर अपना एक स्टेटमेंट दें या मुजाहरा करें मैं समझता हूँ ओ आई सी को जो मुसलमान के सरबरा हैं उनको इज्तमी तौर पर इस रवश पर ये भारत के अंदर पनप रही है मुजमाना रवश इस्लाम के ख़िलाफ़ मसाजिद के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस पर एक बड़ा सख्त रद्दमल आना चाहिए वरना ये अगर आज हम इसको तस्लीम कर लेंगे इस पर खामोश रहेंगे राम मंदिर पर तो फिर इस तरह के और राम मंदिर बनेंगे मसाजद को शहीद करके जो नाकबले कबूल हैं बिल्कुल ठीक है आपने यहाँ पे आई वो एड कि देखिए जब आप बाकी प्लेटफॉर्म्स को रिस्पेक्ट नहीं देते और एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और सिर्फ चाहते हो कि आप आपका अपना प्लेटफॉर्म डोमिनेट हो तो वह गलत है अब आप देखें ना यू की आपने मिसाल दी आप हमारे पाकिस्तान को देख ले कितने मंदिर बने हुए हैं कभी आपने सुना कि डिमोश हुआ हो We वी डू नॉट डिसरिस्पेक्ट we वी we नो okay, what's minority, माइनॉरिटी मेजॉरिटी और हम तरह से बैलेंस करके चलते ताकि किसी की दिलेजारी ना हो खैर हमें उम्मीद है कि उनको हिदायत मिले और देखो डंडरस्टैंड कि इस चीज़ को रोका जाए ना कि बढ़ाया जाए सर मूविंग ऑन अब मैं बात करूँगी एक सेलिब्रिटी और लाइफ स्टाइल या क्या कह लेते हैं इसे फैशन के ऊपर जो एक दुनिया होती है और क्रिकेटर से रिलेटेड एक अपडेट जो होती है जो शादी हुई है रिसेंटली शुैब मलिक और सानिया सन्ना जावेद की सॉरी अब मैं तो देख रही थी रिसर्च भी कर रही थी और फीडबैक भी सुन रही थी लोगों का तो ऐसा लगता है जैसे सेवेंटी परसेंट जो है वो डिसग्री करती है इस फैसले से थर्टी परसेंट आवााम है जो कि मुबारकबाद भी पेश कर रही है सम हाउ सीम्स टू बी के बस पेश कर रही है कुछ ऐसा चल रहा है आप बताएं कि आप एग्री करते हैं इस रिश्ते से इस बंधन से इस शादी से देखिए इस्लाम ने इसमें कोई शक नहीं है कि चार शादियों की इजाज़त दी है और इस्लाम में आपको तलाक देने का हक है खुला लेने का हक़ है लेकिन जब आप इस सतह की इस तरह की शादी करते हैं बदकसमती से माजी में हमारे एक क्रिक्टर मोहसन खान थे उन्होंने भारतीय अदाकारा रीना रॉय से शादी की थी जो बदकस्मती से ना चल सकी और उससे ज़ाहिर है एक अजीब सी एक रिफ्ट एक सोच डेवलप होती है कि शायद ये जो नफरतें हैं सरहदों के इस पार उस पार वो कभी ख़त्म नहीं होंगी और शादियां भी इससे मुतासर होती हैं इसमें कोई शक नहीं है कि शोय मलिक ने जब सानिया मिर्जा से शादी की तो उससे उसकी ज़ाहिर एक अच्छा पैगाम मिला अच्छा तास मिला और भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के साथ वो चंद एक के सवा जो जितनी वहाँ पर भारत के अंदर मुसलमान हैं वो उनकी दुआओं का महबर पाकिस्तान है उनकी उम्मीदों का माहौल पाकिस्तान है कि जब कभी हम पर कोई आफत आएगी मुसीबत आएगी तो पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा होगा हमारे लिए आवाज़ उठाएगा ये जो शादी हुई है मुझे नहीं इसके पता कि कब ये तलाक या कब खुला हुई है लेकिन बार कैफ शुय मलक के जो इसकी जो एक मैं समझता हूँ इसका जो रवैया था चाल चलन था वो मुनासिब नहीं था पिछले दिनों मौसूफ ने एक अदाकारा के साथ जो जिस तरह जिस किस्म काबिल एतराज़ शूट किया वो मैं नहीं समझता कोई गैरतमंद आदमी नहीं यू आर राइट गैरतमंद आदमी इस तरह का शूट करता है किसी अदाकारा के साथ आप आ, लोगों से मिलते जुलते हैं महाफिल में जाते हैं आपकी लोगों से इंट्रैक्शन होता है हुँ. लेकिन आप कोई मॉडल नहीं है आप एक रोल मॉडल अगर आपको आपको बनना ज़्यादा पसंद होता तो ज़्यादा अच्छा था आपने मॉडल बनना पसंद किया हुँ. लेकिन अब यह शादी जो हुई है जिन हालात में और उस खातून ने भी यकीनन डाइवोर्स ली है या हुई है ये इस्लाम इस तर, आ, इस तरह के इस, इस तरह की सोच की नफी करता है कि आप लोगों के घर ना उजाड़ें अगर आप किसी खातून से जो डाइवोर्सी है जिसको तलाक हुई हुई है अगर आप उससे शादी करते हैं तो यह अच्छी बात है लेकिन अगर आप ऐसे पैदा करते हैं अगर आप किसी को भिला फुसला कर किसी को तरगीब देते हैं कि तुम अपनी अपने, अपने मियाँ से अपने शोर से तलाक ले लो मैं तुम्हें आ, कबूल कर लूंगा मैं तुम्हें अपने साथ में सानिया मिर्जा ने बड़ा ग्रेसफुलरफी का मुजहरा किया है जो उनका एक मैसेज मैंने पढ़ा है की उन्होंने नेकशात का इजहार किया है और ये कहा है कि हमारी जो पर्सनल uh, लाइफ है प्राइवेट लाइफ है उसको डिस्कस ना किया जाए मैं इसलिए उसमें बात नहीं करना चाहता लेकिन uh, मेरी नज़र में जो शोएब मलिक है वो हीरो से जीरो हो गया वो सर देखिए ना बीइंग अ मैरिड मैन अगर आप इतना इंटीमेट फोटो शूट करवा रहे हैं डजन लुक नाइस डुक पर्सन और अगर मैं बात करती हूँ उस लेडी की जो कि शूट में है तो वो तो एक अनमेरिड औरत है

आप मीडिया के अंदर सोशल मीडिया के अंदर जिस किस्म के जो शूट्स हैं सीन हैं तस्वीर हैं इवन अखबार में इश्तहारत हैं ड्रामों के इवन कमर्शल्स हैं वो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते अब मुझे नहीं लगता कि चाहे कि कमर्शल है तो उसमें पूरी आठ दस खुवान का डांस करना क्यों ज़रूरी है तो ये जो हम कौम के अंदर आ, कॉम की रोगों में एक स्लो पॉइजन की तरह बेहही का जहर उगेलते जा रहे हैं ना ये एक डिज़ास्टर बन के सामने आएगा हमें रियासत को माशरे को हमारी जो मजहबी क्यादत है उसको सियासी क्यादत उसको इस मामले पर सर जोड़ना होंगे वरना ये मतलब हमें हमारे सामने खाई है और पीछे आ, एक अंधा कुआँ है, सेंस ना। और जो उसका है। सर मुझे आप ये बताएं

वो मुझे डर है कि खूनी इलेक्शन ना हो तो हमारे अदारों को स्टेक होल्डर्स को मकतजर हल्कों को इलेक्शन कमीशन को जो जो इस सारे मामले से जुड़े हुए अदारे हैं लोग हैं उनको इस बात का पहले से पेशबंदी करनी हो, करना होगी कि अल्लाह ना करे इन इंतहा में आ, किसी माँ की गोद उजड़े और नफरतें मजीद हाँ नहीं, नहीं। उनमें शिद्दत हाँ, आए ये इसको एक अच्छा सेहतमंद अंदाज से और से ये बात मैं आपके प्रोग्राम में करता चलूँ कि हम क्यों हर किसी हर दूसरे बंदे से अपनी मर्जी की बात सुनना चाहते हैं इतलाफ राय इसी बात का नाम है मैं अपनी इंतहाई नाकस अक़ल के साथ यहाँ हालात का तजिया कर रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं कि आप उससे मुतफिक हों आप उससे डिफ़र करें दलील दें लेकिन ये जो हमने एक ऐसी फजा बना ली है पब्लिक में पब्लिक के अंदर भी सियासतदान तो चले एक दूसरे पर बहुतान तराशी करते हैं एक दूसरे पर और सख्त जुमलों का तबादला करते हैं एक आम आदमी मैं देखता हूँ कि बड़ा इंतहा पसंद है अगर मेरी बात उसको पसंद नहीं आई तो वो एक ऐसा जुमला पास कर देता है जिससे मुझे तकलीफ होती है आप तनकीद करें आप इखिलाफ राय करें दलील के साथ और मैं आपको करूँ मैं अब आपके सामने बैठा हूँ मेरी ज़िंदगी के तीस साल हो गए याफत में मैंने मशरफ दौर में दो दफ़ा जेल कर है तीन एम पी ओ में इस सच्चाई तक रसाई की पदाश में मैं सच बोलता हूँ जो मेरे लोग कॉलम पढ़ते हैं उन्हें पता कि मैं किस तरह का साफी हूँ लेकिन आज ये जो प्रोग्राम सुनते हैं देखते हैं वो एक छोटी सी बात से उसको जब उन्हें बर्दाश्त नहीं होती मैं जाहिर है मैंने पहले ऐसा किया कि मैंने अपनी जो मेरी फहम में मेरी मेरे सूझबूझ में बात आएगी मैं वो करूँगा बिल्कुल तो वो ये जो रविश है ना आम आदमी के अंदर भी ये भी उसको भी अपनी इसलाह की जरूरत है हमारी भी हमें भी इसलाह की जरूरत है आप दलील दें आर्गमेंट करें आप डिफर करें लेकिन तो ही ना करें ये मेरी दरखास्त है सबसे बिल्कुल ठीक बात की सर आपने और बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपने ये अपनी बयान को शेयर किया है ऑडियंस के साथ एंड आई जस्ट होप कि लोगों को इस बात की अवेयरनेस हो जाए एक्सेप्टेंस हो जाए कि किस चीज़ को किस तरह लेना है और अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही कोई स्टेटमेंट आपको नहीं पसंद आ रही सो येस यू हैव योर थोरो राइट थॉरिटी उस चीज़ को आप देखें कि लुक इन टू इट जो नहीं समझ आती है जस्ट पुरी एट द टेबल एंड लेट एस नो इसमें कोई देर इज नो हा मिनट इन ब्रिंगिंग योर क्या कह देते डूज द डोंट्स सिंपल सी बात है भाई पोलिटिकल अपडेट्स तो चलती रहेंगी और uh, हम तो नहीं रुकने वाले हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो भी नहीं रुकने वाले क्योंकि ऑब्वियसली वी आर जस्ट मॉर इन टू डिस्कसिंग द अपडेट्स रिगार्डिंग पाकिस्तान एज एलेक्शन येस एलेक्शन आर Uh, expected to take place on 8th February, which is a few weeks or days away. Mm -hmm. So just stay tuned for that. And thank you guys for watching us today. Thank you, sir, so for being here. Well, and um, yes, we are definitely catching up in the next episode. For then, you guys need to stay tuned. Pushaka is leaving till today. Bye bye. <laughs>